हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड्रॉइड ज्ञान। फ्रेंड्स, अगर आप अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो चुना है। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को किस तरह से वायरल कर पाएंगे। मैं आपको अपने वीडियो में दो तरीका बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का, जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। और ये आपको मैं 101% की गारंटी देता हूँ कि आपका वीडियो वायरल होगा ही होगा, क्योंकि मैं इस पर 4 से 5 दिन तक काम किया हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पूरी जानकारी मैं इकट्ठा कर लेने के बाद में ही आपको मैं वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आप किस तरह से करके अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी का वीडियो बनाए, कॉमेडी चाहे कुछ भी वीडियो बनाते हैं, तो आपका वीडियो जरूर से ज़रूर वायरल होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें एक ऐसी लिंक बताऊँगा या फिर ऐसी एक टैग बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को टैग करके वीडियो को वायरल कर पाएंगे। पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो या फिर गलती से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के लेटेस्ट और न्यू वीडियोस के जानकारी में आपको मिलते रहती है। साथ ही साथ आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है, इसीलिए आप मेरे वीडियो को 1 लाख जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाने में अपने 4 से 5 दिन देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो बताता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने वीडियो को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी एकत्रित करके ही आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू और बताते हैं आपको उस ट्रिक को या फिर उस टेक्निक को जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आप अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। सिंपली मैं अपना स्नैक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। स्नैक वीडियो को ओपन कर लेने के बाद मैं आपको मैं वीडियो अपलोड करने का तरीका बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताऊँगा। आपको वीडियो अपलोड कहाँ से करना है, आप एक तरीका तो आप यहाँ पर सिंपली से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, यानी जो टैग के बारे में आपको बताना चाह रहा था, उस टैग को आप भी लगा करके आप अपने वीडियो को वायरल कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा होगा विन 50 लाइक, आपको ये मैं पहले कुछ 0 to 0 करके देख रहा था, लेकिन अगर आपको ये देखने को अभी मिल रहा है, अभी विन 50 लाइक करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप सीख नहीं पाएंगे कोई भी तरीका को, इसी के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा होगा अपलोड एनी वीडियो, आप इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, इसको आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में वो ट्रिक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपलोड एनी वीडियो अंडर, आपको ये वाला जो टैग लगाना है हैशटैग, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे स्नैक क्रेशर फॉर यू, स्नैक क्रेशर फॉर यू टू ज्वाइन। तो अगर आप इस चैंपियनशिप में अगर ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको इसमें चैंपियनशिप में ज्वाइन करना है, तो आपको इस ज्वाइनिंग के आपको ये नहीं देखना कि इससे हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलना, आपको ये देखना आपको इससे वीडियो वायरल होगा। अगर आप इस टैग को लगाते हैं, यानी इस हैशटैग को लगाते हैं, तो आपका वीडियो रैंक करेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। और आपको इस टैग को लगा कर आपको मैं 3 दिन के अंदर में आपको ये नहीं कि आज मैं आपको वीडियो अपलोड किया, ये टैग लगा करके आज ही मेरा 1 मिलियन तक व्यूज़ चला गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको इसके लिए आपको 3 से 4 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 3 से 4 दिन तक अगर आप वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका वीडियो रैंक करेगा। अगर रैंक करना, लेकिन आपको इसमें वीडियो बनाना है तो वो ऐसा वीडियो बनाना है जो लोगों को पसंद आए। आपका वीडियो पर लाइक आना चाहिए, अगर लाइक आता है तो आपका वीडियो पर रैंक करना शुरू कर देगा, और रैंक करेगा तो फिर आपको वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ दोस्तों, अगर आपको इसी टैग को आपको यहाँ पर डालना है, आपको यहाँ पर एक टैग देख लेना है। अगर आपको किसी वीडियो को अपलोड करना है, तो आप सिंपली से इस वाले ऑप्शन पर जाकर के टैप करके अपने वीडियो को वायरल पोस्ट कर पाएंगे या फिर वीडियो शूट कर पाएंगे। लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ, इस पर अगर आप वीडियो को शूट करते हैं, तो आपको जो हैशटैग डालने का, जो ये हैशटैग दिख रहा है, ये डालने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हैशटैग को सेलेक्ट कर लेता है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आप यहाँ पर से वीडियो अपलोड कीजिएगा इस जगह से, और वीडियो में आपका हैशटैग ऑटोमेटिकली यहाँ से लग जाएगा, आपको हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं लगी। अगर जैसे आपका हैशटैग लग जाता है, उसके बाद फिर आपको कोई भी टाइटल में कोई भी टाइटल आपको डालना नहीं पड़ेगा, और आपको नहीं प्राइवेट करके इसको पब्लिश करना है, आपको डायरेक्ट पब्लिक करके ही इसे पब्लिश कर देना है। आपको वीडियो को प्राइवेट और फिर पब्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसको पब्लिक करके ही पोस्ट करना है। उसके बाद फिर जो सेकंड ट्रिक है, उसको मैं बताने वाला हूँ। अब सिंपली से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये वाला वीडियो शूट का ऑप्शन, आपको वीडियो शूट का ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ पर से वीडियो शूट करना है। वीडियो शूट कर लेने के बाद में जो आप हैशटैग लगाते हैं, आपको हैशटैग में आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसमें हैशटैग करके ये हैशटैग लगाया हुआ है, उसके बाद फिर आपको ये हैशटैग लगाया हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसके हैशटैग में जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो हैशटैग, इसका भी भूल गया, इसका हैशटैग, हाँ, जो स्नैक
क्रेशर फॉर यू का जो हैशटैग है यही हैशटैग आपको उसमें भी लगाना है। अगर आप वीडियो यहाँ से शूट करते हैं तो यहाँ से अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको हैशटैग में उसी को लगाना है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि 100% आपका वीडियो 4 से 5 दिन के अंदर रैंक करना शुरू हो जाएगा। वीडियो रैंक करेगा उसके बाद फिर आपका वीडियो तो वायरल हो जाएगा। अगर वीडियो वायरल हो जाएगा उसके बाद फिर आपको वायरल होने से कोई नहीं बता सकता है। तो यही था आपकी ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है जिसका जवाब मैं आज तक नहीं दिया हूँ। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।